हो? हाँ आप कुछ लग रहा है। आज इसका जन्मदिन है, जन्मदिन के पश्चात मैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं पहली बार भी आया था तब आपको बोला था कि यही हमारा उम्मीदवार रहेगा। और जितनी भीड़ यहां जमी है, आप लोग सिर्फ 10-10 वोट लेके आएंगे ना, 10-10 वोट, तो कोई माई का लाल इसके सामने खड़ा हो जाए, सिर्फ तालियां बजाने के लिए, गाने सुनने के लिए रिंकू के पीछे मत आइए। अगर आपको मेरे जैसे आदमी की, जो लोगों के काम करने के लिए 24 घंटा दौड़ते रहता है, ऐसे आदमी की ताकत बनानी है, बढ़ानी है, तो रिंकू को मेरे साथ दीजिए। रिंकू है, ये हमारा दोस्त, बचपन का दोस्त है, इसको बचपन में मैंने देखा था, ये अन्नू है। ऐसे लोग अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो बहुत ताकत बढ़ेगी। आजकल सभी जगहों पे आपको गद्दारी दिख रही है, बाप को बाप मानने को लोग तैयार नहीं है, सत्ता के लिए, सत्ता के गलियारों में जाने के लिए अपने बाप को राम राम बोल देते, जाओ भाई बाप भूल जाओ। हम वैसी औलाद नहीं है, हम जंग करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन बाप से गद्दारी नहीं करेंगे। जो बाप को भूल सकता है वो तुमको तो 2 मिनट में छोड़ सकता है। तो ये लड़ाई होगी जो बाप को मानता है उसके खिलाफ, जो बाप को नहीं मानता है। आप किसके साथ रहेंगे? जो बाप को मानता है हाथ उठा के बोलो, जो बाप को मानता है। हाँ, हम अपने बाप को भूल नहीं सकते जो हमारे हमको इस दुनिया में लेके आया, हमको बनाया बढ़ाया, उसके लिए मेहनत की, उसको हम नहीं भूलना चाहते हैं। यहां तो गद्दार लोग, जिन्होंने बसाया, जिन्होंने बनाया, उसके ही घर पे ऊपर थूक के यहां चले आए हैं। आम आदमी को गद्दारी से सख्त नफरत होती है, और इसलिए मेरे इस दोस्त के जन्मदिन के अवसर पर मैं यहां आया हूं। मैं उसको कोटि कोटि बधाई देता हूं, और इतनी ही उम्र उसका खुदा उसको खुदा दे जितनी उम्र में वो आपकी सेवा कर सके। और उससे भी मैं कसम चाहता हूं कि 24 घंटा तेरे हाथ, लोग चाहे बर्थडे में बुलाए नहीं बुलाए कोई वादा नहीं, पर किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को खून चाहिए, कोई मुसीबत में फंसा पड़ा है, तो पहले उसको याद रिंकू यादव की आनी चाहिए। हर घर में तेरा मोबाइल नंबर चाहिए, हर औरत, हर माँ, हर बहन के घर में तेरा मोबाइल नंबर चाहिए, और 24 घंटा मोबाइल चालू रख के उठाना सीखो। आजकल के नेता खीसे में मोबाइल तो रखते हैं लेकिन बंद होता है, पीए के पास मोबाइल होता है, फिर सुबह फोन करो तो साहब पूजा में है, नहीं नहा रहे हैं, फिर थोड़ी देर में पूजा फोन करो तो साहब पूजा कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर में फोन करो तो साहब कपड़े बदल रहे हैं। तो इतने देर क्या नंगे बैठे थे क्या? ये जब साहब बेड पे आराम से सोए है तब पूजा भी होती है, स्नान भी होता है, कपड़ा भी बदलना हो जाता है। ये झूठ बातें होती है क्योंकि बताने में शर्म आती है कि हमारे साहब सोए हुए हैं। इधर गरीब आदमी 5:30-6 बजे
बजे उड़ जाता है, हमारे साहब 12 बजे उठते हैं। रिंकू 6 बजे उठना सिखो। जब पहला आदमी इधर से चलते जाता है सिक्के, तो उसको वो तुमको दिखना चाहिए, पर हर चेहरा तेरे पहचान का होना चाहिए जो 6 बजे से इस रास्ते से गुजरता है, क्योंकि ये सब लोग ये मेहनत करके कमाई खाने वाले लोग हैं। ये दिन की मेहनत में ही उनका खाना बनता है, ये मेहनती लोग हैं, इन्होंने ही महाराष्ट्र को बना बनाया है, ये महाराष्ट्र के मिट्टी में इनका पसीना गिरा हुआ है। भले ही वो उत्तर प्रदेश से क्यों ना हो, लेकिन महाराष्ट्र अब उनकी माँ बन गई है, कोई उनको पराया नहीं कर सकता है। जितने हम महाराष्ट्र में हैं, उतने हैं हमारे उत्तर भारत के भाई लोग महाराष्ट्र में, कोई आपको पराया नहीं मानता है, जो मानता है उसको छोड़ दो। लेकिन इसके बाद अभी तो बहुत यात्राएं निकलेगी, बहुत सारी धार्मिक यात्राएं निकलेगी, लेकिन एक बात मैं आखिरी में कहना चाह रहा हूं कि जो भी यात्रा निकल रही है निकलने दो, बट जिन लोगों ने गद्दारी की है उन लोगों ने महाराष्ट्र के सियासत की अंत यात्रा निकाली है उसके ऊपर फूल मत डालना। इन्होंने महाराष्ट्र की सियासत को बदनाम कर डाला और बर्बाद कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के जनता को बोल रहा हूं कि इनको जिंदगी भर के लिए सबक सिखाएंगे, हम ये कहेंगे कि हम बेईमान लोगों के साथ नहीं जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल बजरंग बली की, बोलो बजरंग बली की, बोलो बजरंग बली की। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के रिंकू यादव हमारे भाई, ये हमेशा जन कल्याण के लिए और समाज सेवा में बहुत ही आगे रहते हैं, और ये जो अभी आप भीड़ देख रहे हो ये केवल इनके प्रति लोगों का प्यार है, और ये उनके जन्मदिन के जन्मदिन पर इससे बड़ा तोहफा उनके लिए कुछ हो नहीं सकता है, तो उनको जन्मदिन पे कोटि कोटि शुभेच्छा दे रहे हैं, और आगे आगे भी उनको बहुत सारा प्रोग्रेस मिले, सक्सेस मिले, यही हमारी कामना। जन्मदिन मनाना ये एक उद्देश्य ऐसा नहीं था, यादव नगर महोत्सव लोगों को जोड़ने का एक मेरे दिमाग में थॉट था, जो हमारे कार्यकर्ता उनके दिमाग में थॉट था। मेरे जन्मदिन पे मेरे नेता आए और मुझे शुभेच्छा दी, और मेरे देवतुल्य जनता जो यादव नगर की आई और मुझे इस जन समर्थन जो प्रेम लोगों ने दिखाया मेरे प्रति, मेरे नेता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, इसे मैं अपने जन्मदिन की सबसे बड़ी भेंट समझता हूँ। भरोसा है ना, मेरा भरोसा उनके ऊपर है और मेरे जनता का भरोसा उनके ऊपर है, भरोसा है तो ही हम उनके साथ जुड़े हैं। और सही बात है, जन प्रतिनिधि के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति के पास आपका नंबर होना चाहिए, जिससे उनकी समस्याएं आप सॉल्व कर सके। अगर नंबर ही नहीं होगा तो आपको कैसे उनसे संपर्क हो पाएगा। तो अपने प्रत्येक कार्यकर्ताओं से मेरा खुद का ये निवेदन है कि उनके पास मेरा नंबर पहुंचाए, जो भी समस्या हो चाहे दिन रात, चाहे हॉस्पिटल पालिका हो, चाहे किसी भी प्रकार की, हम उसे सॉल्व जरूर करेंगे। और मेरे नेता ने मुझे यही सिखाया, यादव नगर की जनता को मैं बस यही अपील करूंगा कि एक सही नेतृत्व को चुने, जो समाज को भ्रष्ट दिशा में लेके जा रहे हैं उनको साइड रखे और एक समाज को नया नेतृत्व दे, जो लोगों को विकास कल्याण के बारे में सोच और नई दिशा दे।